पापा। Oh my God। चल। कौन है? कौन है ये? क्या बात है? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो क्या है ना राजन भाई साहब, किचन से दरवाजे तक आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ हाँ, मुझे लगा कोई गड़बड़ है। आजकल आपको हर चीज में गड़बड़ नजर आती है। बाकी सब लोग कहाँ है? सीधे सीधे क्यों नहीं पूछते? उर्वशी कहाँ है? वो अपने कमरे में है। पानी पियोगे? नो थैंक यू। शीतल, कौन है? ओ राजन भाई साहब, चलिए समोसे खाएंगे। हाँ, चल, 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 चल। आप खाएंगे? अब क्या करें? पापा तो लिविंग रूम में जमकर बैठे हुए हैं। उर्वशी, आई थिंक आज का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं मलिका। उर्वशी, आज तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। नहीं मलिका जी, प्लीज, मेरा आज जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? एक्चुअली मेरे घर कल बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं और वो सब मेरे घर में तब तक रुके रहेंगे जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, और उन लोगों के सामने घर से भागना नामुमकिन है। ओ मलिका जी, प्लीज प्लीज कुछ सोचिए ना। उर्वशी तुम रो मत, मैं कुछ सोचती हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ मेरी श्रुति भाभी भी इसी तरह टहल टहल कर सोचा करती थी। तुम्हारी भाभी तुम्हारा ये प्लान कभी फेल नहीं होने देगी उर्वशी, कभी नहीं। एक आइडिया है। क्या? जब तक तुम्हारे पापा घर में हैं, तब तक हम बाहर नहीं जा सकते। एक बार वो घर से बाहर चले गए तब तो हम बाहर जा सकते हैं ना। मगर वो घर से बाहर जाएंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। एक मिनट। हेलो आकाश। अरे राजन, किस काम में जुटे हो? अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं उर्वशी की शादी के लिए मेहमानों की लिस्ट बना रहा था। आप लोग भी बता दीजिए आपको किस किस को बुलाना है। हाँ राजन, जरूर बता देंगे, पर अभी नहीं, कल सुबह। अभी हम जा रहे हैं उमेश के घर डिनर के लिए, पर हम लेट हो गए। ठीक है राजन भाई साहब, आप फिक्र मत करिए, उर्वशी की शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर हम सब हैं ना। शुक्रिया। चलें। अरे भाई रक्षा, कहाँ हो? जरा मुझे मेहमानों की लिस्ट बनाने में मदद तो करो। आइए एक मिनट में। हेलो। हेलो राजन अंकल। हाँ कौन बोल रहा है? जी मैं आकाश लूथरा बोल रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? जी मैं तो उर्वशी। शट अप! अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी नहीं लेना, कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। जी यही बताने के लिए तो आपको फोन किया है। उर्वशी की शादी कुछ दिनों बाद नहीं बल्कि आज ही हो रही है। What? जी हाँ, और मेरे ख्याल से आपको यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी शादी मुझी से हो रही है। आकाश मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे, यही कहना चाहते हैं ना? मैं क्या कहना चाहता था ये भूल जाओ, ये सोच के मैं क्या कर सकता हूँ? आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप हम तक पहुंच ही नहीं सकते। आकाश मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूँ। उसका कोई फायदा नहीं अंकल, क्योंकि हम तो वहां पर है ही नहीं, हम तो अपने एक दोस्त के यहाँ पर। फिर भी कोशिश करके देख लीजिए, ढूंढ सके तो ढूंढ लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। कमीना। क्या हुआ, कौन था? अरे वो कमीने राकेश लूथरा का बेटा आकाश, हमारी उर्वशी को लेकर भाग गया। क्या? लेकिन उर्वशी तो अपने रूम में है। उर्वशी
उर्वशी यहां भी नहीं है। उर्वशी 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 वहां आई है क्या? नहीं। रक्षा उर्वशी मिली क्या? नहीं यहाँ पे नहीं है वो। तो तुम वहां क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ। आती हूँ। उर्वशी 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 रक्षा कहाँ जा सकती है ये लड़की? परेशान कर रखा है इसने तुझे। क्या आवाजें लगा लगा कर अपना वक्त बर्बाद करी हो? वो नहीं है यहाँ पे। हमें फौरन जाकर उसे रोकना चाहिए। मगर कहाँ जाकर? कहीं भी, पूरा शहर छान मारेंगे लेकिन उस तक पहुंचेंगे। मैं उस कमीने राकेश के घर पे जाता हूँ और तुम उर्वशी की सहेलियों के घर जाकर उसका पता लगाओ। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? मगर इस तरह ढिंढोरा पीटने से पूरे शहर में हमारी बेटी की बदनामी हो जाएगी। तो हो जाने दो। मुझे उसकी बदनामी मंजूर है लेकिन राकेश के लड़के से उसकी शादी मंजूर नहीं है। हमें हर कीमत पर उसे ढूंढना पड़ेगा, समझी? चलो चलो। मल्लिका जी मैदान बिल्कुल साफ है, जल्दी चलो। हाँ लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे पापा को कुछ याद आ जाए और वो वापस आ जाए, जल्दी चलो। हाँ। पहले तुमने मेरा बिजनेस तबाह किया, अब मेरी इज्जत तबाह करना चाहते हो, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो हश्र करूंगा तुम्हारा कि किसी शरीफ आदमी की तरफ हाथ उठाने के पहले 100 दफा सोचोगे तुम। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम मेरे घर में आके मुझे धमका रहे हो? अभी तो सिर्फ धमकी दे रहा हूं, लेकिन अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो जेल की सलाखों के पीछे सड़ा कूदूंगा तुम्हें, तुम्हें भी और तुम्हारे उस कमीने आकाश। खबरदार, जो आकाश का नाम अपनी जबान पे लाए, क्या किया है उसने? भोले बनने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा बेटा जबरदस्ती मेरी बेटी को अपने साथ भगा कर ले गया है। बकवास बंद करो, मेरा बेटा घर पे है। सुनिए, आकाश घर पे नहीं है। मैं आपसे कहने ही वाली थी कि सुना तुमने, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ राकेश लुथरा, लेकिन इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी। अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे बेटे को भी छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा? अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की तो तुम सारी जिंदगी अपनी बेटी के लिए पछताते रहोगे। राकेश, चिल्ला मत, निकल जाओ यहां से। गुड इवनिंग खुशी। आई सेड गुड इवनिंग खुशी। अरे बाबा आई एम सॉरी। अरे बाबा आई एम सॉरी, बोला ना सॉरी, गलती हो गई, काम के चक्कर में पता ही नहीं लगा, भूल गया कि मंदिर जाना है। काम से या नहीं है तो मालूम नहीं, लेकिन आजकल आपके दिमाग से काफी बातें निकल जाती हैं। आपका दिमाग बस वही बात याद रखता है जो आपको याद रखनी होती है। क्या मतलब? अरे बाबा बोला ना सॉरी, कल चले जाएंगे। और मल्लिका कह रही थी कि जाना इम्पोर्टेंट है, ना कि दिन, कल चले जाएंगे। अब मल्लिका हमें बताएगी कि हमें कहाँ और कब जाना है? अरे बाबा मल्लिका ने सिर्फ एक सजेशन दिया है, फैसला थोड़ी ना सुनाया है। विशाल, मल्लिका इज अ प्रोफेशनल कलीग, वो सिर्फ हमारे बिजनेस में साथ हैं, है ना? हाँ बाबा। तो फिर वो हम पति-पत्नी में इंटरफेयर क्यों कर रही है? हम इसी तारीख को हर साल मंदिर जाते हैं, क्योंकि ये हमारे परिवार की प्रथा है। तो फिर वो ये प्रथा निभाने कैसे चली गई? क्या आपने उसे बताया? बोलिए, जवाब दीजिए। बाबा वो तो सिर्फ आपको उसे ये बताना याद रहा, लेकिन आपको हमें फोन करना याद नहीं रहा।
बोलिए, जवाब दीजिए। मैंने सोचा हम कल तो जा ही रहे हैं, तो फिर आपने सोचा? आपने क्या सोचा कि कल हम आपके साथ जाएंगे? कल में क्या खराबी? खराबी कल में नहीं, खराबी आपकी सोच में। आप तो यही सोचते हैं कि कल और आज में क्या फर्क है, लेकिन विशाल जो वक्त बीत गया है वो वक्त दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। हम हर साल इसी तारीख को मंदिर जाते हैं क्योंकि ये हमारा विश्वास है। और ये तारीख विशाल, ये तारीख कल नहीं आएगी, ये तारीख अगले साल ही आएगी। और तब तक शायद हमारे रिश्तों की दूरियां इतनी बढ़ गई कि झगड़े की कोई गुंजाइश ही ना रहे। कुछ पता चला दोनों का? नहीं। कहां गए वो दोनों? ना जाने कौन सी बिल में जाकर छुप गए वो दोनों। थैंक यू मलिका जी। किस बात के लिए? आपने हमें अपने घर में जगह दी, वी फील सेफ हियर, है ना? मलिका जी, आपके कहने पर हम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ घर से भाग तो आए, मगर अब क्या होगा? हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? थोड़ा सब्र करो, पहला कदम तो तुम दोनों ने उठा ही लिया है, दूसरा कदम सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बट आई कैन अश्योर यू वन थिंग, जो होगा अच्छा होगा और तुम दोनों की मर्जी के मुताबिक होगा। अरे दीदी आइए ना, इनसे मिलिए। ये है उर्वशी गिल और आकाश लूथरा, ये है मेरी दीदी गायत्री सिंघानिया। नमस्ते। 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 मगर ये दो तो, मेरा कहने का मतलब कि इनके माँ बाप तो इनके साथ के खिलाफ है ना, तो फिर ये दोनों यहाँ एक साथ कैसे? दीदी इनके माँ बाप इनकी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए इन्हें भगाकर मैं यहाँ ले आई हूँ। इनफैक्ट आपके आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इनका अगला कदम क्या होना चाहिए। अब आप आ गई हैं तो आप ही कोई सुझाव दीजिए कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। हाँ, मगर सुझाव देने से पहले मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ मल्लिका। अच्छा चलिए। रोशनी कैसी है? रोशनी हमारे लिए मर चुकी है। इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेता है, और बेहतर यही होगा कि आप भी उसके बारे में बात ना करें। भाई साहब, भले ही आप अपनी बेटी का नाम जुबान से नहीं लेना चाहते, लेकिन आप दोनों के चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि आपका दिल हर बार उसी का नाम पुकारता है। मैं शारदा की तरह कमजोर नहीं हूं, शायद आज भी इसके दिल में रोशनी के लिए प्यार हो, लेकिन जिस तरह रोशनी ने राहुल को अपना कर हमारे मुंह पर काली पोती है, मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत के सिवाय कुछ नहीं है। उमेश भाई साहब, आप तो जुनूनी हद तक रोशनी से नफरत करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जुनून कैसा भी हो प्यार का दूसरा रूप होता है। उमेश, 6 साल बीत चुके हैं, मुझे लगता है कि बच्चों की गलतियों को भुलाकर उन्हें हरगिज नहीं,
अगर आज हम एक की गलती को भुला देंगे तो कल दूसरा उसकी शय पाकर उसी गलती को दोहराएगा। हेलो हेलो शीतल भाभी। हाँ रक्षा बोलो। भाभी आप लोग फौरन यहाँ चले आइए। क्यों खैरियत तो है? नहीं भाभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है। क्यों क्या हुआ? उर्वशी। क्या हुआ उर्वशी को? भाभी भाभी उर्वशी आकाश के साथ भाग गई है। क्या? हम लोग फौरन आते हैं। क्या हुआ उर्वशी को? उर्वशी उस लड़की आकाश के साथ घर से भाग गई है। क्या क्या? रमन अभी अभी तुम कह रहे थे कि मैं रोशनी को माफ कर दूं। क्या तुम उर्वशी को माफ कर पाओगे? हमें जाना होगा। चलो दीदी मैं भी साथ में आऊं। कुछ काम होगा तो? अगर जरूरत पड़ेगी मैं तुझे फोन कर दूंगी शारदा। चलो दीदी आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो बेचारे पहले ही बहुत परेशान है, आपने उन्हें और परेशान कर दिया है। इस वक्त उनसे ज्यादा मुझे तुम्हारी परेशानी की चिंता है। कौन सी परेशानी? वही जिसमें तुम बहुत जल्द पड़ने वाली हो। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, तुम्हारी पहली बेवकूफी। तुमने उन दोनों को अपने घर से भागने में उनकी मदद की, और दूसरी और उससे भी ज्यादा खतरनाक, तुम उन दोनों को इस घर में ले आई। दीदी इसमें बेवकूफी की क्या बात है? तुम्हारी समझ में इतनी सी भी बात नहीं आती कि इसका अंजाम क्या हो सकता है? गिल परिवार इस वक्त पूरे शहर में उर्वशी की तलाश कर रहा है, और अगर उन्हें उर्वशी यहां मिल गई तो उसका अंजाम क्या हो सकता है तुम समझ सकती हो। तुम्हारी सारी असलियत उनके सामने खुल जाएगी, और ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि तुम उनकी दोस्त नहीं बल्कि उनकी दुश्मन हो। और उनको समझने में देर नहीं लगेगी कि आज तक उनके साथ जो भी हादसे हो चुके हैं उसमें सिर्फ तुम्हारा हाथ है। तो मैं क्या करती दीदी? खड़ी तमाशा देखती रहती? बलि का बकरा बनने देती उर्वशी को? उसके परिवार वाले उसकी शादी जबरदस्ती कहीं कराना चाहते थे, और मैं कुछ भी नहीं करती? नहीं दीदी, किल परिवार के हाथों एक बार मेरी बलि चढ़ चुकी है, अब मैं उर्वशी की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, कभी नहीं। तुम बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही हो मल्लिका। दीदी खतरनाक खेल खेलने के लिए ही मैं वापस आई हूं। दीदी आप ये तो मानती है ना कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं तुषार के प्यार की खातिर कर रही हूं? इसका मतलब प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है ना? हाँ मल्लिका। तो फिर वो भले ही मेरा प्यार हो या उर्वशी का,